नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए वे वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका कक्षा 9वीं अंग्रेजी की वार्षिक परीक्षा 2022 21 मार्च को होने वाला अंग्रेजी का सेट बी का बिल्कुल मैं आप सभी के लिए यहाँ पर 110% रियल गारंटेड पेपर का फुल सॉल्यूशन, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 16 तक का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जी हाँ विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं प्रॉपर विद्यार्थियों, आपको देखिए यहाँ पर जो है आपको बार कोड दिया गया है, सारे कोड आपको दिए गए हैं जिससे यहाँ पर जो है रियल पेपर की पुष्टि हो जाती है। यकीन मानिए विद्यार्थियों, यदि आपने इस पेपर को तैयार कर लिए तो आपको इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो विद्यार्थियों पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, देखिए ये हमारा वो हमारा पहला पेज हो गया था, अब ये हमारा देखिए ये आपका दूसरा पेज हो गया है ना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों मेरे पास जो है पूरा कंप्लीट पेपर यहाँ पर आ चुका है, पूरा फुल पेपर आपको सोल्व कराऊंगा। यदि आपने इसे पढ़ लिया तो बच्चों परीक्षा में आप भोकाल मचाकर आ जाओगे। चलिए विद्यार्थियों वीडियो को हम बिना किस देरी के शुरू कर लेते हैं। आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो को हम बिना किस देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सेक्शन ए रीडिंग की तरफ हम बढ़ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को आपको पढ़ना है, समझना है और नीचे इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है उन क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो पूरा विद्यार्थियों आप पैसेज पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको देखिए इसके ट्रिक भी यहाँ पर बता दूंगा कि आपको किस प्रकार इसे सोल्व करना है। तो चलिए विद्यार्थियों हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों देखिए ये देखिए विद्यार्थियों आपका इस पे का विद्यार्थियों यहाँ तक आपका पैसेज हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर हम इनके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। विद्यार्थियों जो जो पैसेज वाले क्वेश्चन रहते हैं, जो एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं, उनके जो सॉल्यूशन रहते हैं वे आपको उसी पैसेज में आपको दिए रहते हैं, बस आपको बुद्धि लगाकर ढूंढना पड़ता है। पहला क्वेश्चन आपको दिया टम्बलर स्मिथ, टम्बलर का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, बाउल होता है। दूसरा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लॉस्ट, लॉस्ट का अपोजिट क्या होता है, लॉस्ट यानी खोना, तो फाउंड यानी क्या हो जाएगा, पाना। तीसरा है वेयर वाज द मैन वॉकिंग, तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर इसका आंसर हम देख लेते हैं। इनके जो विद्यार्थियों आंसर होते हैं आपको पैसेज में ही छुपे रहते हैं, बस आपको बुद्धि लगाकर ढूंढना पड़ता है। किस प्रकार ढूंढेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा विद्यार्थियों का मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पर, द मेन वॉकिंग। आप करेंगे क्या, जो आपको दिया है द मेन वॉकिंग, इसे आप पुनः जो है पैसेज में ढूंढेंगे कहाँ पर आता है। तो विद्यार्थियों हम इसे ढूंढ लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों ढूंढने पर जो है हमें यहाँ पर प्राप्त होता है विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है मेन वाज वॉकिंग, तो विद्यार्थियों इसके आगे का आंसर क्या हो जाएगा, थर्फ आर डिजर्ट, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपको यहाँ पर सोल्व करना है। दूसरा अब इसका अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इसी प्रकार विद्यार्थियों आपको हल करना है। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको मेन कीवर्ड को ढूंढना है, जैसे इस प्रकार यहाँ पर आपको मेन कीवर्ड दिया गया है ही फाइंड, तो इसे आपको जो है क्वेश्चन में ढूंढेंगे, क्वेश्चन के आगे आपको उसका आंसर मिल जाया करेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थियों देखिए यदि बाय चांस, यदि 10% चांस बनते हैं कि आपको दूसरा पैसेज पूछ लिया है तो विद्यार्थियों आप बड़े ही आसान तरीके से सोल्व कर लोगे। तो देखिए विद्यार्थियों इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ही फाइंड आर्टर नियर बाय। अगला क्वेश्चन है हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, तो इसका आंसर आ जाएगा टम्बलर गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। तो देखिए विद्यार्थियों इसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐसे ही दिया है, इसमें आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है और इसके आंसर आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों आप सारा पैसेज यहाँ पर पढ़ लीजिए सबसे पहले, फिर हम इनके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ना, इनका आंसर हम देखेंगे। मैंने आपको बता ही दिया हूँ आपको किस प्रकार हल करना है, आपको जो है क्वेश्चन को पैसेज में फाइंड करना है, उनके कीवर्ड को आपको ढूंढना है, उसी के आगे आपको आंसर मिल जाया करेगा। तो देखिए विद्यार्थियों पहला आपको दिया है द साइंटिफिक इन्वेंशन वेगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ, इसको आप जो है विद्यार्थियों यदि आप देखिए किस प्रकार हल करेंगे, बाय चांस यदि आपका दूसरा आ जाता है तो आप इसी प्रकार सोल्व कर देंगे। जैसे कि आपको दिया है साइंटिफिक इन्वेंशन बेगन, इसे आप जो है पैसेज में ढूंढिए, तो विद्यार्थियों हमें कहाँ पर प्राप्त होता है, हमें जो है यहाँ पर प्राप्त होता है साइंटिस्ट इन्वेंशन वेगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 1789, तो विद्यार्थियों यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1789। इसी प्रकार विद्यार्थियों आपको सभी को हल करना है।
दूसरा आपको दिया है द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड इसका आंसर आ जाएगा कोकपिट। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए विद्यार्थियों आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज ब्रेक्ड बाय इसका आंसर आएगा आप पेट्रोल। अगला है चौथा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो उसका आंसर आ जाएगा एरोप्लेन। अगला है वी आर लिविंग इन द इसका आंसर आ जाएगा एज ऑफ साइंस। चलिए बढ़ते हैं हम सेक्शन वी राइटिंग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका रीड। यहाँ पर आपको करना है कि विद्यार्थियों इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसका आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल आपको देना है। चार नंबर का यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए विद्यार्थियों नोट्स किस प्रकार बनाएंगे आप, सबसे पहले आप करेंगे कि विद्यार्थियों आपको मैं तो यह सलाह दूंगा कि आप जो है सबसे पहले जो पैसेज आपको दिए गए इससे आप कम से कम जो है दो बार पढ़ लेंगे। यदि आपने दो बार पढ़ लिया तो आप बड़ी आसानी से आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप बड़े ही आसान तरीके से नोट्स बना देंगे। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए विद्यार्थियों आप जो है इस प्रकार यहाँ पर टाइटल लिखेंगे व्हाट इज बायोग्राफी। टाइटल हम किस प्रकार ढूंढते हैं समझ लीजिए, यदि बाई चांस दूसरा आ जाता तो आप उसे बड़ी आसान तरीके से सोल्व कर देंगे। देखिए टाइटल यानी कि जो शब्द सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही टाइटल कहलाएगा। जैसे कि विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख सकते हैं बायोग्राफी जो शब्द है कई बार यहाँ पर जो है रिपीट हुआ है इसलिए हमने इसका टाइटल दे दिया है व्हाट इज बायो गैस। नोट्स किस प्रकार बनाते हैं विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर इस प्रकार नोट्स बने हैं है ना। या फिर आप दूसरी मेथड यह आजमा सकते हैं कि देखिए जैसे कि विद्यार्थियों यहाँ पर हम करते क्या हैं नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मेन पॉइंट लिखते हैं फिर उसके बाद हम सब पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों जैसे कि इसका मेन पॉइंट क्या होगा यहाँ पर आपको पहला वाक्य दिया गया है ना। इसका मेन पॉइंट हम निकाल सकते हैं बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ। इसके अंदर में फिर हम सब पॉइंट बना सकते हैं जैसे कि 1.1 हो जाएगा मेथेन, 1.2 कार्बन डाइऑक्साइड, 1.3 हाइड्रोजन, 1.4 हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो है विद्यार्थी इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ना दूसरा मेन पॉइंट भी आप बना सकते हैं, तीसरा मेन पॉइंट भी आप बना सकते हैं। बड़ा ही ईजी तरीका होता है विद्यार्थियों, जैसे कि आप दूसरा पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं क्या कुछ भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, बस आपको लिखना है मेन पॉइंट और सब पॉइंट बना के। फिलहाल आप इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए। इस प्रकार आपको नोट्स और टाइटल लिखने हैं। मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो विद्यार्थियों आप जो है इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा मेन पॉइंट और सब पॉइंट लिखकर। देखिए विद्यार्थियों आपको चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है यू आर निधि स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना राइट एन एप्लीकेशन टू यूअर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फुल फीस कंसेशन। यहाँ पर जो है आपको शुल्क मुक्ति के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो चलिए हम इसका यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। तो ये है विद्यार्थियों इसका आंसर है ना। देखिएगा विद्यार्थियों आपको देखिए हो सकता है आपको जो है यहाँ पर कुछ नाम अलग दे दी जाए, स्कूल का नाम अलग दे दी जाए, तो विद्यार्थियों आप क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट चेंज कर देंगे। जैसे कि आपको स्कूल का नाम अलग दिया तो विद्यार्थियों आप जो है जो क्वेश्चन में आपको स्कूल का नाम दिया जाता है वह आप लिख देंगे, और आपको अलग नाम दिया जाता है तो विद्यार्थियों आप जो यहाँ पर वही नाम लिख देंगे जो कि क्वेश्चन में आपको दिया है। तो विद्यार्थियों फिर का विद्यार्थियों आपको जो है पूरे यहाँ पर एप्लीकेशन को आपको लिख देना है, सॉल्व कर देना है, और डेट आप करके दिन के डाल देंगे 21 मार्च 2022। इसके बाद आपका यहाँ पर और वाला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों यू आर आरब परिहार रेजिडिंग एट NY 32 नेहरू कॉलोनी देवास राइट लेटर टू यूवर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू ₹500 फॉर परचेसिंग सम बुक्स। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों आपको जो है अपने फादर को लेटर लिखना है। तो यहाँ पर भी हो सकता है आपका नाम बदल दिया जाए, एड्रेस बदल दिया है, तो आपको उस हिसाब से परिवर्तन आपको कर देने हैं। और फिर विद्यार्थियों आप जो है पूरा लेटर आपको देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है, आप पूरा लेटर यहाँ पर आप पूरा जैसे का वैसा यहाँ पर लिख देंगे। एड्रेस बदलेगा तो आप यहाँ पर एड्रेस बदल देंगे, और आपका नाम बदलने का कहेगा तो आप यहाँ पर नाम बदल देंगे, बाकी पूरा यहाँ पर जैसे का वैसा रहेगा। पूरा आप देख लीजिए सोल्यूशन, पूरा विद्यार्थियों आप याद कर लेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों पांचवा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, आपको जो है इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है 115 वर्ड्स में। तो विद्यार्थियों हम इनमें से लिखेंगे वंडर ऑफ साइंस पर, क्योंकि विद्यार्थियों ये ऐसे जो है आपने कई बार पढ़ चुके होंगे, भाषा भी इसकी सरल है और आपको इजीली यहाँ पर याद भी हो जाएगा।
विद्यार्थी हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर बाय चांस परीक्षा में आपको जो है दूसरे तरीके से आपको वंडर ऑफ साइंस पूछ लिया है, आपको पूछा जा सकता है साइंस इन आवर डेली लाइफ, साइंस डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, कुछ भी आपको पूछा जाए। यदि आपका वहाँ पर एक शब्द दिया रहता है साइंस, तो विद्यार्थियों जो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको वही लिखना है। तो ये देखिए विद्यार्थियों, ये है वंडर ऑफ साइंस का ऐसे। सबसे शुरू में विद्यार्थियों आपको जो है मेन पॉइंट्स लिखना है, मेन पॉइंट्स आप वही लिखेंगे जो कि आप अंदर में लिखने वाले हैं। आपको यहाँ पर टोटल जो है 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप जो है 4 पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि सॉरी 5 पॉइंट आप छाट लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, जो जो आपको सरल लगे सिर्फ आप वही पॉइंट छाट लीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप 5 पॉइंट कर देते हो तो आपको इजिली पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप पूरा यहाँ पर देख लीजिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आपको इजी पॉइंट लगे आप वही लिख लेंगे, तीसरा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद पांचवा है मेडिकल साइंस, छठवा है एग्रीकल्चर, सातवा है यहाँ पर एंटरटेनमेंट, आठवा है डिसएडवांटेजेस, नौवा है कंक्लूजन। तो आप पूरा यहाँ पर देख लीजिए, अब विद्यार्थी छठवा आपको यहाँ पर दिया है, आपको जो है यहाँ पर नीचे एक पिक्चर दी गई है, उसके बेसिस पर आपको, इस पिक्चर के बेसिस पर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको इसका हल यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए विद्यार्थी, इस तरीके से विद्यार्थी आप यहाँ पर लिखेंगे है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर शॉर्ट पैराग्राफ, सारे पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा आपको लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल पाए। सबसे पहले आप इतना देख लीजिए, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, दूसरा है प्रोडक्ट एनवायरनमेंट, तीसरा है प्रोडक्ट सोइल, चौथा है अदर यूजेस, और यहाँ पर पांचवा आपका रहेगा कंक्लूजन। ठीक है ना विद्यार्थी, सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा। अब यहाँ पर हम सेक्शन सी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों, सेक्शन सी ग्रामर की तरफ हम बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, कोई भी 5। तो पहला आपको दिया है यहाँ पर ही इज, यहाँ पर ब्लैंक आपको दी गया है एम ए एन इंग्लिश, यहाँ पर आएगा एन। दूसरा हाउ ब्लैंक वाटर इज लेफ्ट इन द बोटल, यहाँ पर आ जाएगा मच। तीसरा है सुमित इज द, यहाँ पर आ जाएगा बाइसेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। चौथा है डिड यू सी ब्लैंक लायन इन द फॉरेस्ट, यहाँ पर आ जाएगा एनी। इसके बाद यहाँ पर पांचवा है एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई, यहाँ पर जाएगा मलेरिया, सॉरी ऑफ आ जाएगा। अगला है यहाँ पर आ जाएगा अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। अब यहाँ पर आपको डू अस डायरेक्टेड आपको सोल्व करने हैं यहाँ पर। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर इसका पहला आपको दिया है, यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा डिड यू गो देयर यस्टरडे। दूसरे का यहाँ पर हो जाएगा हॉकी बास प्लेड बाय देम। तीसरे को हो जाएगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। विद्यार्थियों मैंने ग्रामर वाले सेक्शन को और भी बेहतरीन तरीके से समझाया, यदि आप उसे देखना चाहते हो तो विद्यार्थियों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड करा दी है, मैंने सेट ए वाले पेपर में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। चौथा है इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा यू कैन सिंग अ सॉन्ग। पाँचवा यहाँ पर आ जाएगा ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास। छठवें का आ जाएगा चिल्ड्रन हैव बिन प्लेइंग इन द पार्क। अब सेक्शन डी, हम सेक्शन डी की तरफ हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं, लिटरेचर वाला सेक्शन यहाँ पर आ जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो पहला आपको दिया है हाउ ओल्ड इज मारी। विद्यार्थी मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, बाई चांस यदि आपके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं एक ना एक तो आप पूरे आप हल कर पाओगे। यदि आपका एक क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है तो आप दूसरा क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आपने सभी क्वेश्चन को याद कर लिए होंगे, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर तो आपको मिल जाएंगे। चलिए विद्यार्थियों हम इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए हाउ ओल्ड इज मैरी, तो इसका हम यहाँ पर उत्तर को देख लेते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 11 ईयर्स। दूसरा है व्हाट डज येलो वुड्स मीन, इसका आंसर होगा फॉरेस्ट विथ येलो लिप्स। थर्ड है वेयर डिड बिस्मिल्ला प्ले द सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947, इसका आंसर आ जाएगा रेड फोर्ट। चौथा है के जी आवास बीटन अप विथ आ रूलर बाय हर फादर विकोस, इसका आंसर आएगा सी टोर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर स्पीच। पांचवा है बाट डस स्टेरी स्पेयर्स मीन, इसका आंसर आ जाएगा स्काई फिल्ड विद स्टार्स। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्ड हुड, इसका आंसर आ जाएगा माई, इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम।
क्वेश्चन नंबर 10A में आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, इसे किस प्रकार सोल्व करने में, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, आपको पेसेज के टाइप इसको सोल्व करना है। इसके जो क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सट्रैक्ट में ही देखने को मिल जाते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन है, आप पूरा यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पर देखिए हम इसके जो है क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एवलिन लॉस ऑफ हियरिंग टेक प्लेस, इसका आंसर आएगा 8 ईयर्स। अगला है, एवलिन मैनेज्ड टू हाइड हर डीफनेस फ्रॉम, इसका आंसर आएगा हर फ्रेंड्स। तीसरा है, हु अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू आ स्पेशलिस्ट, इसका आंसर आ जाएगा हेड मिस्ट्रेस। बी नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और आंसर आपको लिखना है इसी टाइप में। तो उसका देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, पहला व्हाट डस येलो वुड मीन, इसका आंसर आएगा ऑटम। दूसरा है, व्हाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। तीसरे आपको दिया है, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइंस हैव बीन टेकन, इसका आंसर आ जाएगा द रूट नॉट टेकन। यदि आप इसका PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो है किन्हीं 6 को आपको हल करना है, लेकिन मैंने आपको पहले कह दिया हूँ आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। बाय चांस यदि क्वेश्चन चेंज हो गया, थोड़ा सा एक आध चेंज हो सकता है, तो आप पूरे आप सोल्व कर देंगे, इसलिए आपको पूरे में पूरा आपको बिल्कुल बिल्कुल रट लेने हैं। पहला आपको दिया है, वाई वाज केजी अफ्रेड ऑफ हर फादर, तो विद्यार्थी इसका आंसर तो हमें नहीं मिल पाया, इसके लिए आपसे माफ़ी मांगूंगा। दूसरा आपको दिया है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, है ना, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, तो इसका आंसर आप जो है पूरा आंसर लेकर यहाँ तक लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसका दिया है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। पूरा आप विद्यार्थियों पूरा आप बिल्कुल रट लेंगे, याद कर लेंगे, पूरा आपको रट के याद कर लेना है, ख़त्म कर देना है, रात भर में आप इसे याद कर लीजिए। तो ये पूरा आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड ब्रूनो एंड द ऑथर्स वाइफ रिएक्ट व्हेन दे मीट एट माइजर जू, तो इसका आंसर आपका रहेगा ये वाला, ये आपका क्वेश्चन और इसका आंसर आप पूरा यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल आप इसे रट लीजिए। इसके बाद यहाँ पर छठवा क्वेश्चन है, हाउ डिड संतोष बिगन टू क्लाइंब माउंटेंस, तो इसका आंसर चलिए दिखा देता हूँ, ये है इसका क्वेश्चन और ये है इसका पूरा यहाँ पर आंसर, पूरा उत्तर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी है आपका, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस, तो ये है विद्यार्थी इसका पूरा आंसर, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, पूरा आपको रट लेना है, मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ गए हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर आपको 30 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम्स डज ही फेस, तो इसका यह आप यहाँ पर उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा उत्तर आप लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, तो इसका यहाँ पर देख लीजिए उत्तर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द स्लंबर ब्रिंग इन द पोएट्स फीलिंग, तो इसका आंसर ये रहा, पूरा टिक लगाकर मैं आपके लिए लाया हूँ, तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, टिक लगाकर मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। अब यहाँ पर 13वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द सोइलर डू इन द सीम स्ट्रेस हाउस, तो चलिए इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेंगे। इसका आंसर ये रहा, एक लाइन का आंसर है मात्र, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों यहाँ पर, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन द वे टू द फेयर, तो इसका आंसर हम यहाँ पर ये रहा आपके सामने, ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये इसका आंसर आप पूरा देखकर लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हु वास बेहरमन, तो इसका आंसर ये रहा, बेहरमन बास पेंटर। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर आपके लास्ट पेज की तरफ, लास्ट पेज में आपका निष्कर्ष पूरा निकल जाएगा।
तो 14वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल, व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो इसका आंसर ये रहा, पूरा आप यहाँ पर याद कर लीजिए या फिर आपको जितना आपको लगता है सही उतना आप याद कर लीजिएगा, तो आप इतना भी आप याद कर सकते हैं, काम आपका चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डस केजिया विगेन टू सी हर फादर एज यू आर ह्यूमन विगिंग हु नीड्स हर सिंपथी। तो ये रहा इसका आंसर पूरा। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज द एटमोस्फियर एट पशुपति नाथ। तो इसका आंसर रहा ये वाला, ठीक है। अब फोर नंबर, अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। आपको मेन और अथवे आपको दोनों तैयार है, यहाँ पर कर लेने हैं, मैंने आपको पहले कह दिया था। 15वां क्वेश्चन है, हाउ डज द पोट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस डेथ। तो चलिए इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 15, ये इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका और वाला है, व्हाई डज द पोट कॉल हार्वेस्ट पीसफुल एंड वार एस विंटर। तो इसका और वाले का आंसर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। तो ये रहा इसका आंसर। इसका और वाला है, व्हाई डू यू द कॉर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। आखिरी क्वेश्चन है और ये इसका आंसर आप देख लीजिए। तो इस पे का विद्यार्थियों हमने पूरा सेट का आंसर देख लिया है। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारी मेहनत का लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।